दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकी, तारिकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में रबीउल अव्वल के हवाले से अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह अमल हर किस्म की हाजत पूरी करने के लिए, हर जायज़ मकसद के लिए बेहतरीन अमल है कि जो लोग किसी भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी हर किस्म की जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप शादी के लिए इस अमल को पढ़ना चाहते हैं या आपने किसी से कर्ज़ा लेना है, वो आपका कर्ज़ अदा नहीं कर रहा, या फिर अगर आप कर्ज़दार हैं, कोई वसीला आपका कर्ज़ उतारने का नहीं बन रहा, अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएगा और आप जो कर्ज़ अदा करने के मामलात हैं वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएंगे। अगर कोई कैदी है और नाजायज़ तौर पर उसे कैद किया गया है, उसकी रिहाई के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाएगा। अगर आपकी जगह पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, आपका माल किसी ने दबाया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे अब ज़मीन के ऐसे मामलात हैं कि लोग नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो अपना कब्ज़ा छुड़ाने के लिए और अपना जायज़ हक लेने के लिए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। और इसके अलावा किसी भी किस्म की जायज़ हाजत के लिए, जो मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपके जहन में है, तो हर किस्म की जायज़ हाजत को पूरा करने के लिए यह बहुत बेहतरीन अमल है। और आपने इन 12 दिनों में रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ जाए उसी रात से आपने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसको आपने इन 12 दिनों में 1,25,000 की तादाद आपने पूरी करनी है। और जब आप अमल पढ़ेंगे तो मकसद अपने जहन में रखना है, आपने इधर उधर आपने जहन नहीं लगाना, आपका ध्यान सिर्फ अपने मकसद की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आप नियत ये करेंगे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अमल पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने मकसद अपने जहन में रखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस अमल से अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आपके ऊपर नज़र होगी और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा, यानी दीन और दुनिया दोनों इसमें आपको इंशाअल्लाह हासिल होंगे। और जब भी अमल पढ़ें तो इस तरह की अच्छी नीयत ज़रूर करें कि मैं जो अमल पढ़ रहा हूँ उससे मुझे मेरा अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए और उनके सदके मेरी परेशानी दूर हो जाए, तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। अगर आप हर किस्म की हाजत जो आप पूरी करना चाहते हैं तो उसमें आपने मकसद अपना जो है फोकस, अपने सारा दिमाग जो है आपने अपनी परेशानी की तरफ रखना है, अपने मकसद की तरफ रखना है। अगर इधर उधर जहन जाने लगे तो फौरन अपने मकसद की तरफ वापस आएँ। जितने आप तवज्जो के साथ अपना मकसद जहन में रख के पढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो आपने 1,25,000 की तादाद इन 12 दिनों में आपने पूरी करनी है और इस अमल से पहले आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी आपने पढ़ना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।